अरे भैया तो चाबी लगा के छोड़ के बाइक में। अरे ये अपनी इतनी महंगी बाइक में चाबी ऐसे छोड़ के चला गया। ये तो अच्छा है कि मुझे बाइक चलानी आती है, इससे पहले कि वो आए फटाफट इसे लेकर यहाँ से निकल लेती हूँ। अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? ओए ये चाबी मुझे वापस दे। ये चाबी आपको क्यों दूं मैडम, ये भैया की चाबी है, ये भैया को ही दूंगा। तू दो कोड़ी का सफाई वाला मुझसे जुबान लड़ाता है, तू चाबी वापस दे रहा है कि नहीं? मैडम आप कितने भी थप्पड़ मार लो पर मैं चाबी भैया को ही दूंगा। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, चाबी दे मुझे। छोड़ो मैडम ये क्या कर रहे हो आप, चुपचाप करके चाबी दे। चाबी तो मैं भैया को ही दूंगा। चाबी दे बोला ना। अरे ओ मैडम ये सफाई वाले को क्यों मार रही हो तुम? अच्छा भैया आप आ गए, आपको पता है कि ये आपकी बाइक चोरी करके जा रहा था। वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना अब तक तो ये आपकी बाइक लेकर चला भी जाता। क्या? अरे नहीं नहीं भैया ये मैडम झूठ बोल रही है, चोरी बल्कि मैंने नहीं इसने की है, और भैया मैंने तो आपकी बाइक को बचाया है। अच्छा चोरी मैं कर रही थी? भैया आप एक काम करो, आप ना ये देखो कि चाबी किसके पास है, अभी पता चल जाएगा कि चोरी कौन कर रहा था। हाँ हाँ चाबी किसके पास है? हाँ हाँ भैया चाबी तो मेरे पास है, पर चोरी मैंने नहीं की इसने की है, और हाँ हाँ भैया ये चाबी मैंने इन्हीं से ही छीनी है। भला मैं क्यों चोरी करूंगी, और हाँ मेरे पास तो खुद की इतनी बड़ी गाड़ी है, वो देखो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी बोली सी शकल लेके चोरी करता है तू। हाँ हाँ शकल तो मासूम सी है और हरकतें देखो इसकी, ला चाबी दे दे वापस। अरे भैया मेरी बात का यकीन करो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, बल्कि चोरी इसी ने की है। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, जब दो डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप सच उगल देगा ये। हाँ हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे नहीं नहीं भैया पुलिस को मत बुलाओ, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आपकी मदद कर रहा था। और हाँ भैया मुझे नहीं पता था मदद के बदले मुझे ये फल मिलेगा। भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मेरी बात का यकीन करो आप, मैंने कोई चोरी। अरे क्या हो गया भाई? अरे होना क्या था भाई, इस लड़के को देखो शकल तो इतनी बोली सी है और चोरी करता है चोरी। अरे नहीं नहीं साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ चोरी इसी ने की है। अरे भाई साहब ये तो इस मैडम का नाम लगा रहे हैं, चोरी इसने की है। अरे मैं क्यों चोरी करूंगी, और मैंने आपको कहा था ना कि मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, भला मैं क्यों चोरी करूंगी? अच्छा वो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। अरे बस करो इतना भी झूठ मत बोलो, वो गाड़ी मेरी है, और ये झूठ बोल रही है इसका मतलब चोरी भी इसने ही की है। हाँ हाँ देखा साहब मैंने बोला था ना कि मैंने चोरी नहीं की है, चोरी इन्होंने की है। माना मैंने झूठ बोला, पर मैं चोर नहीं हूँ, चोरी तो यही कर रहा था। अरे साहब झूठ पे झूठ बोले जा रही है ये, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी चोरी भी नहीं की है, आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्या? हाँ भैया माना कि मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, और ये मैडम तो झूठ पे झूठ बोलने लग रही है। अरे मैडम इतना भी झूठ मत बोलो, इस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका एक्सेस मेरे पास है, रुको ये मैं देख के बताता हूँ। हाँ भाई साहब चोरी इस मैडम ने ही की है, ये देखो भाई साहब चोरी इस मैडम ने ही की है। देखा साहब अब तो हो गया होगा आपको यकीन, इतनी देर से मैं बोलने लग रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की पर फिर भी आप मेरे पे ब्लेम लगाने लग रहे हो। हाँ हाँ भाई मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इन लोगों की बातों में आ गया था, और हाँ पुलिस तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं किसके लिए, और हाँ जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जेल? अरे नहीं नहीं भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज से पहले कभी चोरी नहीं की थी, और मुझे माफ़ कर दो मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, पर पुलिस को मत बुलाओ।